ओके, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड स्मेयर बनने के बाद स्टेनिंग पार्ट कैसे होता है, ठीक है। स्टेनिंग ऑफ थिन ब्लड स्मेयर, तो ये हमने तीन स्मेयर बनाए थे, ठीक है, ये हमने हॉरिजेंटल स्टैंड पे रख दिए हैं। अब हम स्टेनिंग करेंगे। तो स्टेनिंग के लिए दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है कि आपको अराउंड 8 ड्रॉप्स, ठीक है, 8 ड्रॉप्स ऑफ लेसमन स्टेन आपको प्योर करना है ओवर दिस स्मेयर। ये इतना होना चाहिए कि ये पूरे स्मेयर को जो है वो कवर कर ले सफिशेंटली, ठीक है। तो हर स्लाइड पे ऐसे ही आपको 8 ड्रॉप से 10 ड्रॉप आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपका स्मेयर कम्प्लीटली कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज लेसमन स्टेन, ठीक है। लेसमन स्टेन जो है, ये जो पार्ट है ये हमें 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिक्सेशन टाइम, ओके। सो 2 मिनट के लिए सिर्फ लेसमन स्टेन रहेगी, जिसे हम बोलते हैं फिक्सेशन टाइम, ओके। सो 2 मिनट्स आर ओवर। आफ्टर 2 मिनट्स आपको क्या करना है, यू हैव टू प्योर डिस्टिल वाटर, और इसका नंबर जो है वो लेसमन स्टेन के ड्रॉप से डबल होना चाहिए। अगर 8 ड्रॉप्स ऑफ लेसमन स्टेन आपने डाले हैं तो 16 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर जो है आपको प्योर करने हैं। अगर आपके पास बफर्ड वाटर है, ठीक है, तो वो इक्वल नंबर ऑफ ड्रॉप्स रहेंगे लेसमन स्टेन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ जो है 2 मिनट का हमने फिक्सेशन टाइम देखा है, उसके बाद हमें अराउंड 8 मिनट टू 10 मिनट जो है इसे डिस्टिल वाटर के साथ छोड़ना है, जिसे हम बोलते हैं स्टेनिंग टाइम। और इस दौरान आपको ब्लो करना है सो दैट डिस्टिल वाटर और लेसमन स्टेन जो है वो प्रॉपरली मिक्स हों, ठीक है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा विग्रेसली नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्टिल वाटर और आपको स्टेन जो है वो मिक्स करनी है ताकि आयनाइज हो स्टेन और फिर स्टेन का जो है इफ़ेक्ट आए, ओके। तो ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइन। तो ये 10 मिनट के लिए आपको बीच बीच में आपको ब्लो करते रहना है। तो ये 10 मिनट, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेनिंग टाइम, ओके। तो स्टेनिंग में पहले फिक्सेशन टाइम हमने पढ़ लिया, फिर स्टेनिंग टाइम पढ़ लिया। अब हमें वॉश करना है स्मेयर को, ठीक है। 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है, अब हमें वॉश करना है। तो वॉश करने का भी एक फिक्स तरीका है, आपको कैसे पकड़ना है स्लाइड को, ये देखो। स्लाइड जो है इंक्लाइंड होनी चाहिए और जो वाटर है वो दैट शुड फ्लो ऑन थंब, ठीक है। ये डायरेक्टली स्मेयर पे ना फॉल करे, तब तक आपको वॉश करते रहना है जब तक एक ग्रीनिश स्कम जो है वो कम्प्लीटली वॉश ना हो जाए। तो स्लाइड जो है वो पिंकिश रहेगी आफ्टर वॉशिंग इट। तो बहुत देर तक भी आप वॉश कर सकते हैं, अराउंड 10 मिनट तक वॉश कर सकते हैं अगर स्लाइड जो है वो ग्रीनिश है। आप देख रहे हैं, आप स्लाइड का कलर बिल्कुल परफेक्ट है, ग्रीनिश कलर बिल्कुल जा चुका है, राइट। अब आप स्लाइड्स को ड्राई करेंगे, ठीक है, वर्टिकल स्टैंड पे या जो भी आपके पास सोर्स है वर्टिकली उसे रखेंगे एंड लेट इट ड्राई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्मेयर बन गया है, ये ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आप ऑयल यूज़ करके और इस स्मेयर की स्टडी कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप 100x और ऑयल इमर्शन के अंडर। थैंक यू सो मच।